ग्वालियर के पूर्व महाराजा हिज हाइनेस ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दबाव में शिवराज सिंह भय के कारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनके कहने पर जिला बदल करा रहे हैं। वर्ष 2020 में कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो धार जिले के निवासी हैं और शिवपुर जिले में वकील हैं, कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, इनके ऊपर सिंधिया जी 2020 में गए तो पुतला जलाने के आरोप रजिस्टर्ड किया, चक्का जाम का आरोप रजिस्टर्ड किया और एक पोस्टर लगाने पर कलेक्टर द्वारा और पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके हल्के राजनीतिक मुकदमे दायर किए गए। इसके बाद 2020 और 18 के जो मुकदमे हैं, लेकिन सिंधिया जी का चूंकि पुतला जला था तो मुख्यमंत्री पे दबाव डालकर परतोष सिंह राठौर जो बदनाभर धार जिले से लगातार दो बार जनपद के निर्वाचित जनता द्वारा सदस्य शिवपुर में के कोर्ट में न्यायालय में अपनी वकालत करते हैं और मुख्यमंत्री ने जी शिवराज सिंह जी ने सिंधिया जी के भय के कारण उनके आदेश से इनको जिला बदल कर दिया है 3 महीने के लिए। क्या ये प्रजातंत्र में अपनी अभिव्यक्ति करना, चक्का जाम करके या अपनी बात कहने का अधिकार संविधान की में बदल दिया गया है संविधान, ये आज मौजूद हैं, भटक रहे हैं, इनको परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं इस कलेक्टर के आदेश की घोर निंदा करता हूं और मैं मध्य प्रदेश की सरकार को सलाह और चेतावनी देता हूं कि इस तरह का कृत्य बंद करें। हिटलर का भी अंत हुआ है, रावण का भी अंत हुआ है, इसलिए पुराने इतिहास को भी देखें। और एक बात और कहना चाहता हूँ, कहते हैं ईडी की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।